Hello everyone today's topic of discussion is concept of mental health and mental illness First of all I request you all to please subscribe my channel and help me to grow if you like my videos and want update of my videos So we will start concept of mental health and mental illness it is one of the topic in psychiatric nursing for all nursing students either for bsc or gnm students so first we are starting with the health what is health so definition of health by who what is health a state of complete physical mental and social well being

वो फिजिकली हेल्दी है मेंटली हेल्दी है सोशली वेलबींग well है स्परिचुअली हेल्दी है एंड देर इज एबसेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ अब हम मेंटली हेल्दी कब बोलेंगे मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज हर एंड ऑन हर ओन पोटेंशियल्स कैन कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community means when we can say person is mentally healthy or what is mental health when the person is healthy this uh, state is healthy he is able to consider uh, identify their own potentials can cope up with the normal stresses हमारी लाइफ सबकी लाइफ में नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं एज अ स्टूडेंट्स आप लोगों की लाइफ में क्या स्ट्रेस है एग्जाम्स आते हैं आप लोगों को स्ट्रेस होता है पर आप उससे ओवरकम कर जाते हो इसलिए आप नॉर्मल हो आपकी मेंटल कंडीशन क्या है आप मेंटली हेल्दी हो कैन वर्क प्रोडक्टिवली आप प्रोडक्टिवली अपने एग्जाम्स देते हो एज एग्जाम्पल फ्रूटफुली आप काम कर पाते हो स्कोर कर पाते हो एंड इज एबल टू मेक एन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो कम्युनिटी में रह रहे हो तो आप उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है वो फॉलो कर रहे हो और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो सोसाइटी के लिए कम्युनिटी के लिए इफ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स देन और द पर्सन इज डूइंग ऑल दिस थिंग, वी कैन कंसीडर द पर्सन इज मेंटल हेल्थ इज गुड पर्सन इज मेंटली हेल्थी नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट कंपोनेंट इज द एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट सेल्फ फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ इफ आई एम सेइंग आई एम मेंटली हेल्दी पर्सन व्हाट इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट कि मुझे अपने आप को पहचानना है सबसे पहले मुझे दूसरों को नहीं पहचानना सबसे पहले मुझे खुद को पहचानना इफ द पर्सन इज एबल टू रियलाइज कि हाँ मैं क्या हूँ उसे सबसे पहले अपने आप को पहचानना ये फर्स्ट कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का सेकेंड इज द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स पहले अपने आप को पहचानना है सेकेंड द पर्सन इज हैविंग अ फील राइट टू अदर की अदर्स के लिए भी उसे अच्छा सोचना है अदर्स के लिए भी उसे राइट right फीलिंग होनी चाहिए राइट right कैपेसिटी है उसकी कि वो राइट फील करे नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क जो भी उसकी लाइफ के टास्क हैं इज एबल टू फुलफिल द टास्क प्रॉपरली नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट इंडिकेटर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ पर्सन हैव अ स्ट्रांग फीलिंग्स स्ट्रांग सेंस ऑफ ह्यूमर दे कैन फील गुड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ उसे अपने आप के लिए सेल्फ के लिए क्या होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ पॉजिटिव होना चाहिए अच्छा मैं पढ़ सकता हूँ मैं ये जो भी उसके लाइफ के टास्क हैं वो ये कहेगा कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उसके लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए सेकेंड इज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुलाइजेशन द सेकेंड इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ दैट इज दिस इंडिकेटर कॉन्ट्रीब्यूट विद वेदर द इंडिविजुअल

जो पर्सन वहाँ पे आपको अपने आप को सेटल करना है गुड स्कोरिंग करनी है अपने जो प्रोफेशन चूज किया है उस न्यू थिंग्स लर्न करनी है दैट इज डिफरेंट टास्क एट द डिफरेंट एज लेवल्स सो द पर्सन हैव टू अचीव दैट टास्क प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस दैट इज द सेकेंड इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन Third uh, uh, indicator is integration. What is integration? Includes the ability to adaptly respond to the environment and development of philosophy. The person is able to adapt in the adapt in the environment properly. That is integration. Person like upload as a students, uh, till plus two, everybody is in the schools. After plus two, you are joining a professional course college level me aage professional course so that environment is totally changed so person will able to adjust in the new environment whenever they are going to the new environment and they will able to develop their philosophy of life philosophy of life means their goal of life's aims of lives next is autonomy autonomy means it refers to the individual ability to perform in an independent self-directed manner means person ha has an ability to perform independently according to the situation according to their uh, surrounding environment they have to perform properly next is perception of reality perception of reality means the person is able to perceive the environment properly and the person is he have a uh, able to show empathy and social uh, सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे आर हैविंग अ फील ऑफ रियलिटी देर एबल टू पर रियलिटी प्रॉपरली मीन्स दे शुड नॉट बी इन ड्रे ड्रीमिंग हाँ ये सब हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो पर्सनस हैं वो बोले हाँ मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ पर वो करेंगे कुछ नहीं तो देट इज दे आर इन द ड्रेट इन फैंटेसी वर्ल्ड वैसा नहीं होना चाहिए द पर्सन हैव टू बी इन रियलिटी अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तभी मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ देट इज रियलिटी अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप स्कोर नहीं कर सकते नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल मिस्ट्री दैट इज द इंडिकेटर सुजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज अचीव अटिस्फैक्ट्री रोल विद इन अ ग्रुप सोसाइटी और इन्वायरमेंट ही has an ability to love and accept and pro give love to others. Means environmental mastery means they have a satisfactory role in the groups. Like for example, we can say now you are students of nurse, uh, nursing. If uh, So you are having a group of your nursing students. So you perform perform in us group, you have role play, perform, you are able to make friends, you are able to परफॉर्म uh, वेल well, अपने जो भी आपको एक्सेप्ट कर सको कि हाँ कैसे हमें फ्रेंडशिप uh, करनी है कैसे हमें सोसाइटी में रहना है वो सब चीज़ें वो एन्वायरमेंट न्यू एन्वायरमेंट में जा रहे हो तो न्यू एन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो दैट ऑल थिंग्स कमिंग अंडर इन्वायरमेंटल मास्टरी नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द करेक्टरस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन टिल नाउ वी कवर द डेफिनेशन ट्स ऑफ मेंल हेल्थ एंड इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ नाउ वी आर मूविंग टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इफ एनी पर्सन इज मेंटली हेल्थी तो आपको ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन में मिलेंगे फर्स्ट इज ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर पर्सन मेंटली हेल्दी है तभी वो सारी एडजस्टमेंट कर पाएगा किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाएगा या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी दे विल एबल टू डील विद दैट सिचुएशन नेक्स्ट इज ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ फील्स वर्थवाइल एंड इम्पॉर्टेंट उसके पास अपनी सेंस होनी चाहिए कि हाँ पर्सनली उसका क्या वर्थ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस हैज हैव अ सेंस ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स बाय हिज ओन एफर्ट्स अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है ही इज एबल टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी उसके पास ये भी सेंस होनी चाहिए कि हाँ पर्सनली आई एम सिक्योर आई एम इन द आई एम इन दिस इन्वायरमेंट माई एनवायरमेंट इज़ गुड ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज देर अकॉर्डिंग टू देयर एज इन दरअ फैमिली इन द सोसाइटी इन द एनवायरमेंटल एरिया वट एवर द रिस्पांसिबिलिटीज आर देयर विद दैट पर्सन दे आर एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव अकॉर्डिंग टू द गैदरिंग लाइक इन द फैमिली टू द फ्रेंड्स टू द सोसाइटी पीपल वट आर द लव एंड अफेक्शन दे नीड एंड दे एबल टू प्रोवाइड दे हैव टू प्रोवाइड ही लिव्स इन अ वर्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस कि पर्सन हैव टू लिव इन देर रियलिटी वर्ड नॉट इन द फैंटसी वर्ड अगर वह पढ़ेगा नहीं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी तो वो पास ही नहीं हो सकता वो स्कोर ही नहीं कर सकता तो रियलिटी क्या है कि उसको पढ़ना पड़ेगा तभी कोई बच्चा स्कोर कर सकता है सो दे हैव सेंस कि हाँ अगर मैं पढूंगा, तभी मैं स्कोर करूंगा दैट इज रियलिटी ही शोज इन इन्वायरमेंटल मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर दे हैव टू बी मेच्योर इनफ अकॉर्डिंग टू देयर एज अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन ही हैड डेवलप अ फिलोसफी ऑफ लाइफ That gives meaning and purpose to his daily activities. So, everyone, if the person is mentally healthy person, everyone has a philosophy in his or her life. अपनी लाइफ का कुछ एम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एज कि हाँ मुझे ये करना है मुझे ये बनना है लाइक फॉर एग्जांपल कि हाँ आई वांट टू बी अ गुड टीचर इन नेक्स्ट टेन इयर्स आई वांट टू बी अड नर्स आई वांट अकॉर्डिंग टू देयर

watching tv listening music whatever he likes or she likes so these are the characteristics of mentally healthy person and which is very important topic of psychiatric nursing which is commonly come in the exam next we are moving to the mental illness till now what we discussed that is about mental healthy person mental health now we are moving to the mental illness so what is mental illness a illness with psychological or behavioral manifestations and or impairment in functioning due to social psychological genetic physical or biological disturbance means when we will say the person is mentally ill or mentally disturbed when the person psychological or behavioral manifestations are there विच लीड्स टू देयर इम्पेयरमेंट इन द डेली एक्टिविटीज देयर फंक्शनिंग मीन्स दे विल शो डिफरेंट बिहेवियर दैन द नॉर्मल कोई पर्सन नॉर्मल से अलग बिहेवियर शो कर रहा है दैन वी कैन कंसिडर द पर्सन इज हैविंग मेंटल इलनेस वाई दिसनेज दिस इलनेस ड्यू टू विच रीजन्स द इलनेस इज देयर दैट इज ड्यू टू सोशल इम्पैक्ट ड्यू टू साइक्लॉजिकल इफेक्ट देर इज एनी स्ट्रेसर वुड बी देयर कोई जेनेटिक फैक्टर है फिजिकल स्ट्रेस है और बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है सो ऑल थिंग्स वी विल काउंट टू कॉज फॉर अ मेंटल इलनेस सेकेंड डेफिनेशन बाय द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 मेंटली इल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज इन अ नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय द रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन सो वी कैन से ज मेंटली इल पर्सन द पर्सन हू नीड्स ट्रीटमेंट जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है बाय द रीजन ऑफ मेंटल इल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर बट देट इज नॉट मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन इज डिफरेंट थिंग मेंटल डिसऑर्डर इज डिफरेंट थिंग सो नाउ वी आर डिस्कसिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस अगर मेंटल इलनेस है पर्सन तो की तो वट आर बी द करेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट फर्स्ट इज चेंजेस इज वन थिंकिंग पर्सन की थिंकिंग चेंज होगी मेमरी परसेप्शन फीलिंग जजमेंट इट लीड्स टू अ रिजल्ट रिजल्ट दैट वुड बी चेंज इन द टॉक इन देयर बिहेवियर क्या इंपैक्ट होगा थिंकिंग मेमरी परसेप्शन फीलिंग जजमेंट ऑल थिंग वुड बी इम्पेयर उसकी ये सारी चीजें इम्पेयर होंगी इट लीड्स टू चेंजेस इन देयर टॉक चेंजेस इन देयर बिहेवियर दैट इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस सेकेंड इज देर इज अ चेंजेस इन द बिहेवियर विच कॉज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल मीन्स वेन द बिहेवियर इज चेंज बिहेवियर चेंज होगा इट लीड्स टू सफरिंग डिस्ट्रेस पर्सन को डिस्ट्रेस होगा चेंजेस एंड डिस्ट्रेस कॉजेज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज इन देयर वर्क workplace and the relationships the family is also disturbed their friend circle is also disturbed the whole environment will be disturbed next these are the changes or the characteristic of mental illness now we are moving to the what is mental health and mental illness what is the relationship it is a common place to view the relationship between the mental between the health and illness and therefore health and mental illness as two ends of the same mm, we will able to see in the next slide in the two ends in the first end we are having mental health in the second end we are having the mental illness means either person would be in the left hand either in the right hand and so वन पर्सन कुड नॉट बी एट द बोथ हैंड आइदर इट विल बी मेंटली हेल्थी आईधर इट विल बी अ मेंटल इलनेस वुड बी देर सो एक पर्सन जो है या तो वो मेंटली हेल्थी हो सकता है या मेंटली इलनेस होने की जरूरत हो सकती है सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस कम्पोनेंट्स थैंक यू सो मच If you are having any doubts or if you want any PPT from my side, any suggestions, then please comment in the comment section and you can type. I will help you to gain the knowledge. Thank you so much.